साई प्रणाम सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। केसरिया फूलों से सजाया गया महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ समाधि स्थल पर टेका मत्था। होलिका दहन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की उतारी आरती। जिलाधिकारी व एसएसपी ने होलिका दहन, नरसिंह शोभा यात्रा, कार्यक्रम स्थल सहित अन्य जगहों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हत्या कर लाश को ठेले पर छोड़कर भाग जाने वाले अभियुक्त को गुलहरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। होलिका उत्सव समिति के होलिका दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल सीपू भाई को देखने के लिए उमड़ी भीड़। राजगढ़ थाने की पुलिस ने अवैध स्मैक व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और कैंट थाने की पुलिस ने नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। देश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने व दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर प्रथम आगमन पर महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर को केसरिया फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के स्थलों और साधु संतों के स्थानों को भी केसरिया में बना दिया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। वहीं महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मत्था टेका। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 से 20 मार्च तक गोरखपुर में ही रहेंगे और होली के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारिका तिवारी, उर्दू अकादमी के अध्यक्ष चौधरी कैफुल वरा व अयोध्या से पधारे संत ने बताया।
आप देख रहे हैं चारों तरफ फूलमाला लगे हुए हैं, जगह जगह गेट बनाए गए हुए हैं, चारों तरफ खुशहाली में महाराज जी प्रथम बार गोरखपुर पधार रहे हैं। उसका उत्सव भी है, दो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हैं, इस नाते उनकी खुशी में हमारा मंदिर प्रबंधन तैयार किया हुआ है। भगवान गोरखनाथ जी पूजा करेंगे, गेट पर सजाया गया है, सिंह द्वार पर सजाया गया है, चारों तरफ आप इसको देख रहे हैं, चारों तरफ सजा करके जो है हम लोग खुशी मना रहे हैं। समाधि पर जाएंगे, जगह जगह जो है यहाँ के कार्यक्रम के बाद फिर वो गुड़रिया चले जाएंगे, हाथा जाएंगे, कई कार्यक्रम रखे गए हैं। रात में 12 बजे के बाद 1 बजे लगभग होलिका दहन होगा, जिसमें रसूलपुर, पुराना गोरखपुर, हिमाऊपुर, ये सब जनता यहाँ आके होलिका दहन करेगी। इस प्रकार ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश भी किया और लोगों में को जागरूक किया कि इस तरीके का मुख्यमंत्री आपको कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए आप लोग इनको अधिक से अधिक मतों से विजयी बना करके इनको आप लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं। और लोगों ने इस बात को, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इनको अधिक से अधिक वोट दिया। सुरक्षा की बात करें, कितना सुरक्षित मानते हैं आप लोग अपने? सुरक्षा तो हम लोग हमेशा सुरक्षित हैं, कोई भी परेशानी होती है, हम लोग यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं, हम लोग की कोई भी समस्या होती है हम लोग का समाधान यही महाराज जी करते हैं, अब इससे बड़ी सुरक्षा क्या हो सकती है। मंदिर आए तो विशेष विशेषताएँ यह दिख रही हैं कि यहाँ जो सजावट है और सफाई है, और साथ साथ में सबसे बड़ा कार्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वह विजयश्री प्राप्त करके आ रहे हैं जो यूपी में दोबारा सरकार अच्छे अच्छे महारथियों ने नहीं बना पाई, वह विजयश्री करके माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो चुनाव जीते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, तो वो अपने चेहरे पर ही चुनाव जीते हुए हैं, और आज गोरखपुर की जनता ठीक उस प्रकार से प्रसन्न है जिस प्रकार 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, उसी प्रकार आज पुनः मुख्यमंत्री का चुनाव जीतकर आ रहे हैं, और ये प्रथम बार आ रहे हैं गोरखपुर में, तो गोरखपुर के जनमानस और प्रत्येक व्यक्ति, साधु संत महंत सब प्रसन्न है, यहाँ तक कि महाराज जी की गौ माता भी प्रसन्न है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा को शानदार जीत मिली है। इस जीत के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहां भव्य स्वागत हुआ, वहीं होलिकोत्सव का रंग और गहरा हो गया है। शोभा यात्रा अभूतपूर्व विजय जुलूस के रूप में निकालने की तैयारी की गई, जिसमें पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होलिकोत्सव समिति द्वारा आयोजित होलिका दहन कार्यक्रम में शिरकत कर भगवान नरसिंह की पूरे विधि विधान के साथ आरती उतारी। सैकड़ों की संख्या में जुलूस में शामिल लोगों ने गुलाल अबीर उड़ाकर होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस पांडेहाता आकर सम्पन्न हुई। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली प्रदेशवासियों ने भी और गोरखपुर वासियों ने भी 10 मार्च से ही खेलना प्रारंभ कर दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सब के प्रति आभार ही व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर आज से लगभग 8 वर्ष पहले सुरक्षा और सुशासन की जो एक नींव रखी, जो व्यापक जन विश्वास का प्रतीक बना, सबका साथ सबके विकास की उन भावनाओं को अंगीकार करते हुए 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के
प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। चुनाव का यह परिणाम मात्र एक राजनीतिक परिणाम नहीं है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए, यहां की आस्था को सम्मान दिलाने के लिए, माताओं और बहनों के साथ साथ बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जो कार्य 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रदेशवासियों ने प्रशस्त किया। मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं पूरे प्रदेशवासियों को, होली का उत्सव समिति द्वारा घंटाघर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मंच और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं मौजूद सुरक्षाकर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। गुलरिया थाना क्षेत्र में विगत 11 मार्च को विनोद नामक व्यक्ति का शव पुलिस को मिला था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, 11/3 को एक विनोद नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया थाना गुलेरिया पे और प्रभारी निरीक्षक गुलेरिया और स्वाट टीम और एसओजी टीम के संयुक्त प्रयासों से उसमें जो दोनों अभियुक्त थे प्रकाश में आए उनकी गिरफ्तारी बिहार से की गई और दोनों अभियुक्तों के गिरफ्तारी पर एसएसपी महोदय द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो हत्या का कारण सामने आया है वो उसकी पत्नी से और मृतक की पत्नी से और जो अभियुक्त हैं उनसे बातचीत होती थी, इस संबंध में दोनों के मध्य तनाव था और पैसे के लेन देन की बात थी। इसी बात पे उसने अपने कमरे पर बुलाया था मृतक को, वहीं मारपीट हुई। अभिवक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आई एम मनमीत। आई एम अमित विद अमित ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। होलिका उत्सव समिति द्वारा होलिका दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल पीपीगंज निवासी सिपू भाई उर्फ छोटे योगी आदित्यनाथ आकर्षण का केंद्र बने रहे। बता दें कि छोटे योगी आदित्यनाथ के नाम से मशहूर सिपू भाई गेरुआ वस्त्र धारण कर होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस संबंध में श्रीमंत संवाददाता से बात करते हुए सिपू भाई उर्फ छोटे योगी आदित्यनाथ ने बताया, तो कहना नहीं चाहते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि कम से कम योगी जी से मेरा चेहरा मिलता है। खुशी है कि बहुत पहले से ही मेरा चेहरा उनसे मिलता था, अभी मुख्यमंत्री बने तभी भी एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो खुशी है भाई। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आपके एरिया में आपका पहचान किस रूप में होता है? मेरा पहचान सिपू भाई के नाम से है और उसके बाद मेरा नाम मतलब बाबा के ही नाम से छोटे योगी आदित्यनाथ। जनता का कितना प्यार मिलता है? बहुत प्यार मिलता है जनता का, गरीब परिवार से हूँ लेकिन जनता का बहुत प्रेम मिलता है। आगे क्या राजनीति में आने की संभावना है? राजनीति में संभावना क्या, देखिए राजनीति किसी की पनौती नहीं है, किस्मत कहाँ ले जाएगी, ये तो अगर बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर राजनीति किया जाए। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत राजघाट थाने की पुलिस ने अवैध स्मैक एवं चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने एक नफर विजेंद्र कुमार अग्रहरी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। धीरे धीरे आइए, 10 सेकंड का बनाना है। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। केसरिया फूलों से सजाया गया महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ समाधि स्थल पर टेका मत्था। होलिका दहन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की उतारी आरती। जिलाधिकारी व एसएसपी ने होलिका दहन नरसिंह शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल सहित अन्य जगहों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हत्या कर लाश को ठेले पर छोड़कर भाग जाने वाले अभियुक्त को गुलहरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार।
होलिका उत्सव समिति के होलिका दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल सीपू भाई को देखने के लिए उमड़ी भीड़। राजगढ़ थाने की पुलिस ने अवैध स्मैक व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और कैंट थाने की पुलिस ने नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।